दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हर पर्वतारोही का सपना होता है। वैसे तो हर साल सैकड़ों साहसी लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो इसमें सफल हो पाते हैं। दुनिया के शीर्ष पर खड़े होना और हिमालय के अजूबों को देखना एक रोमांचकारी अनुभव होता है। तो आइए जानते हैं एवरेस्ट के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट पर्वत को नेपाल के लोग सागरमाथा कहते हैं। यह नाम नेपाल के इतिहासकार बाबूराम आचार्य ने 1930 के दशक में रखा था। सागरमाथा का अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। संस्कृत में एवरेस्ट पर्वत को देवगिरी और तिब्बत में सर्दियों से चोमो लंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता रहा है। एवरेस्ट पर्वत का अंग्रेजी नाम इंग्लैंड के जॉर्ज एवरेस्ट पर रखा गया है। वह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1830 से 1843 के बीच भारत की ऊंची चोटियों का सर्वेक्षण किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई के बीच माना जाता है। इस दौरान बर्फ ताजा होती है, बारिश भी ना के बराबर होती है और अच्छी धूप की वजह से मौसम भी गुनगुना रहता है। अब तक करीब 5,000 लोग माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने में सफल रहे हैं, जिनमें एक 13 साल का लड़का, एक अंधा व्यक्ति और 73 साल की एक जापानी महिला बुजुर्ग भी शामिल है। सागरमाथा पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को पहले $25,000 करीब 15,56,000 फीस देनी होती थी, पर वर्ष 2015 में नेपाली सरकार ने इसे कम करके $11,000 करीब 6,82,000 रुपए कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 के बाद साल 2015 ही ऐसा साल रहा जब कोई भी एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया। इसका मुख्य कारण था अप्रैल 2015 में नेपाल में आने वाला भयानक भूकंप। एवरेस्ट पर्वत पर गए हर 100 में से 4 लोगों की मौत हुई है। कई तो ऐसे भी हैं जो पर्वत के शिखर पर पहुंचने के बाद नीचे उतरते समय अपनी जान गंवा बैठे। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के जुनून को लेकर अब तक 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी लाशें आज भी माउंट एवरेस्ट पर पड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें इतनी ऊपर से नीचे लाना आसान काम नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर पड़ी हुई लाशें बर्फीले माहौल के कारण जल्दी खत्म नहीं होती। कई बार तो चढ़ाई करने वाले इन लाशों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने का सफर तय करते हैं। एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा मौतें शिखर के करीब के हिस्से में होती है, जिसे डेथ जोन भी कहा जाता है। लोग अक्सर चढ़ाई करने के समय गलती करके अपनी जान गंवा बैठते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले लोग अपने साथ काफी सारा सामान और खाने पीने की चीजें लेकर जाते हैं, जिससे पर्वत पर काफी कूड़ा जमा हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार माउंट एवरेस्ट 50 टन कूड़ा है, जो इसे दुनिया का सबसे गंदा पर्वत बनाता है। पानी का उबाल दर्जा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पर माउंट एवरेस्ट के शिखर पर यह महज 71 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के 18 अलग अलग रास्ते हैं। एवरेस्ट हर साल 2 सेंटीमीटर की दर से और ऊंचा हो रहा है। वर्ष 2011 में दो नेपाली व्यक्ति सिर्फ 48 मिनट में पैराग्लाइडिंग की सहायता से माउंट एवरेस्ट के शिखर से नीचे उतर गए, जबकि चोटी से नीचे उतरने का औसतन समय 3 दिन है। एवरेस्ट पर्वत नेपाल के अप्रैल 2015 के भूकंप के कारण 2.5 सेंटीमीटर नीचे धंस गया था। गर्मियों में माउंट एवरेस्ट के शिखर का औसतन तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियों में -35 डिग्री सेल्सियस। एवरेस्ट पर्वत समुद्र तल के हिसाब से दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, पर अगर बात तल से लेकर शिखर तक की ऊंचाई की जाए तो हवाई द्वीप समूह का माउना किया पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 1 किलोमीटर लंबा है। माउना किया पर्वत का लगभग 6,000 मीटर का हिस्सा समुद्र में है और बाकी का समुद्र के बाहर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4,207 मीटर है। तो दोस्तों, आपको यह कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।